जय श्री कृष्ण जानते हैं 2023 मकर राशि के लिए क्या विशेष लेकर आ रहा है सबसे पहले हम जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल इस तरह से महीने के हिसाब से बताएंगे कि कौन सा महीना आपको कैसा परिणाम दे सकता है और इसके बाद में इस वर्ष के सबसे बड़े प्रोमिस क्या हैं कौन सी बड़ी घटनाएं या कौन सी घटनाएं आपका ध्यान आकर्षित करेगी इस वर्ष वो हम इस कार्यक्रम के अंतिम पाठ में बताएंगे और इसके अंतिम पाठ में हम यह भी बताएंगे कि इस साल की वह कौन सी डेट्स हैं जो आपके लिए दिक्कतें खड़ी कर सकती है परेशानियां खड़ी कर सकती हैं तो वक्त बर्बाद नहीं करते हैं शुरुआत करते हैं 14 जनवरी से लेकर 12 फरवरी के बीच में हमने जो ये डेट्स निकाली हैं वह सूर्य के राशि परिवर्तन के हिसाब से निकाली है एक जनवरी से एक फरवरी नहीं मिलेगा आपको इस तरह से महीने के बीच की डेट ही हम लेके चलेंगे हो सकता है पहला महीना आपके लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन लेके आए या दूसरा महीना आपके लिए कॉम्प्लिकेशन लेके आए तो आप आधा नहीं सुने लास्ट तक जाएंगे ना तो आपको पूरा समझ में आएगा क्योंकि यहाँ पर जो शुरुआत हो रही है चौदह जनवरी से लेकर बारह फरवरी के बीच में तो सूर्य देव जो है वह आपके राशि के अंदर ही आ जाएंगे मकर संक्रांति बोलते हैं ना तो बस ये चौदह जनवरी मकर राशि के अंदर सूर्य का प्रवेश तो यह जो समय रहेगा वह आपकी हेल्थ को लेकर कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है अपनी हेल्थ को लेकर ध्यान रखें कुछ अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स ऐसे घटित हो सकते हैं जो बिना फालतू की प्रॉब्लम बढ़ा दें तो इसी वजह से मैंने कहा पूरा सुनना यहाँ तक सुन के नहीं रोकना आगे अच्छा भी टाइम आएगा तो ये टाइम जो है आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है थोड़ा सा टाइम सूर्य देव जो है इस वक्त आपके ऊपर थोड़े से मेहरबान कम रहेंगे थोड़ी सी दिक्कतों का सामना होगा लेकिन इसी महीने परिवार के अंदर किसी न किसी शुभ आयोजन जरूर होगा बच्चों से जुड़ी कोई ना कोई अच्छी खबर जरूर मिलेगी अगर आप कोई नई लर्निंग शुरू करना चाहते हैं कोई नया कोर्स शुरू किया है स्टूडेंट हैं तो उसमें आपको अच्छा रिजल्ट मिलेंगे अगर आप किसी रोमांटिक रिलेशनशिप के अंदर हैं प्रणय संबंध के अंदर हैं तो इस समय संबंधों में मधुरता बढ़ेगी तो यह तो अच्छे परिणाम जो मिलेंगे वह आपको शुक्रदेव की वजह से मिलेंगे क्योंकि शुक्रदेव आपके सेकंड हाउस में आकर आपको अच्छे परिणाम इस वक्त देंगे लेकिन मंगल देव जो है थोड़े से चैलेंजेस खड़े करके रखेंगे अगर आप कोई टेक्निकल लर्निंग करने के लिए जाते हैं और टेक्निकल लर्निंग कर रहे हैं अगर या आर्मी में के अंदर अगर आप हैं तो वहाँ पर आपके लिए थोड़े से चैलेंजेस हो सकते हैं इस समय अब हम बात करते हैं तेरह फरवरी से लेकर चौदह मार्च के बीच में तो इस समय क्या होगा तेरह फरवरी से चौदह मार्च के बीच में सूर्य देव जो हैं वो आपके सेकंड हाउस में आ जाएंगे तो सेकंड हाउस में आ जाने की वजह से पारिवारिक इश्यू फैमिली इश्यूज़ डेवलप करवा सकते हैं और साथ में कुछ अनएक्सपेक्टेड खर्चे भी करवा सकते हैं कोई ऐसी घटना भी घटित करवा सकते हैं जिसमें ज़्यादा पैसा लग जाए तो वहाँ पर ये थोड़ा सा मतलब कि इन मामलों में आपको थोड़ा सा परेशान कर सकते हैं चौदह मार्च तक लेकिन सत्ताईस फरवरी को एक परिवर्तन होने जा रहा है और वह है बुद्ध का राशि परिवर्तन बुद्ध जो है आपके सेकंड हाउस में उस समय आ जाएंगे तो उस समय जो पारिवारिक इश्यू सूर्यदेव खड़े करेंगे जो अनएक्सपेक्टेड खर्चे जो है होंगे उनमें थोड़ी सी लगाम लगा देंगे लेकिन यह लगाम लगेगी सत्रह फरवरी के बाद में और महीना शुरू किया हमने तेरह फरवरी से तो पंद्रह दिन थोड़े से आपके लिए प्रॉब्लमेटिक रह सकते हैं लेकिन सूर्य के बाद में जो बुद्ध का यह राशि परिवर्तन है यह आपके लिए काफी कुछ फायदेमंद रहेगा और फिर इसी महीने एक बहुत ही अच्छा परिवर्तन होने जा रहा है पंद्रह फरवरी को और वह परिवर्तन यह है कि शुक्रदेव जो है आपके थर्ड हाउस में आकर उच्च के हो जाएंगे तो अगर आप कोई ट्रेवलिंग का बिजनेस करते हैं छोटा मोटा ट्रेवलिंग का है कम्युनिकेशन का कोई व्यापार है शुक्र से जुड़ा हुआ अगर आपका कोई बिजनेस है अगर आपने कोई लर्निंग कोई शुरू की है ब्यूटिशियन का कोई कोर्स ज्वाइन किया है या आप ब्यूटी पार्लर चलाते हैं इस तरह का अगर आपका कोई भी बिज़नेस है तो इसमें विशेष फायदा होगा बच्चों से जुड़ी अगर कोई समस्या चल रही थी तो उसमें आपको विशेष अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे मन प्रसन्नचित रहेगा अगर कोई नई एक्टिविटी अगर आप कुछ करते हैं कुछ नया लर्निंग ज्वाइन करते हैं तो आपको फ़ायदा रहेगा स्टूडेंट के लिए भी यह समय अच्छा रहेगा जो लोग रोमांस के अंदर हैं या जिनके अफेयर्स चल रहे हैं लव अफेयर्स चल रहे हैं तो उनके अंदर उनको पॉजिटिव चेंजेस देखने को इस महीने मिलेंगे यह महीना शुक्रदेव उच्च का होने की वजह से आपको काफ़ी कुछ अच्छे परिणाम देकर जाएगा लेकिन मंगल देव फिर भी यहाँ पंचम हाउस में बने हुए रहेंगे तो थोड़ा सा बनता बनता काम कहीं बार आप ऐसे देखेंगे कि बिगड़ सकता है और वो उसको मंगल देव बिगाड़ सकते हैं लेकिन फिर भी कुल मिलाकर शुक्रदेव इसमें अच्छे परिणाम रिजल्ट देंगे थोड़ा बहुत अगर आपकी कुंडली के अंदर मंगल

भाग्य की वजह से आपके काम अटकेंगे अगर आप कोई छोटी छोटी यात्राएं करते हैं तो उसमें आपको विशेष नुकसान हो सकता है और अगर बुद्ध से जुड़ा हुआ अगर आपका कोई बिजनेस है तो वह आपको परेशानी में डाल सकता है तो यह संबंध यह समय ऐसा रहेगा कि कोई भी रिस्की डिसीजन जो भाग्य की वजह से आप लेना चाहते थे वह आप नहीं लें मेरा अनुरोध है इस समय अपनी रफ्तार कुछ धीरे रखें मेनली 16 मार्च से लेकर 30 मार्च के बीच में और इस समय शुक्रदेव फोर्थ हाउस में आ जाने की वजह से कुछ न कुछ आपके मन को व्यथित भी कर सकते हैं थोड़ा मन को प्रसन्न लगने वाली चीज़ें इस महीने थोड़ी सी कम होगी लेकिन इस महीने यह सब कुछ तो है लेकिन यहाँ पर एक बदलाव जो है वह सबसे अच्छा है कि मंगलदेव इस समय जो है तेरह मार्च को जो है आपके सिक्स हाउस में आ जाएंगे तो इसकी वजह से अगर आपका कोई लोन का मैटर लंबे टाइम से उलझा हुआ था कोर्ट कचहरी का, का कोई प्रॉब्लम चल रही थी तो वहाँ पे अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे नौकरी करते हैं अगर आप अगर आप किसी तरह की कोई नौकरी के अंदर हैं तो 13 मार्च से लेकर 9 मई के बीच में आपको नौकरी में अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे अगर आप कम्पिटेटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और तो उस समय अगर कोई अगर इस समय कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपकी तैयारी अच्छी हो सकती है प्रिपरेशन अच्छी हो सकती है लेकिन अगर रिज़ल्ट आता है तो थोड़ा सा उसमें खिन्नता जैसा या थोड़ा सा अगर हायर एजुकेशन का रिज़ल्ट है तो थोड़ी सी दिक्कत दे सकता है बाकी मंगलदेव की वजह से इसमें पैसे का भी फ़ायदा होने के चांसेस है पैसे का भी यह फायदा करवा सकते हैं लेकिन भाग्य बिजनेस में करवा सकते हैं लेकिन भाग्य के साथ की वजह से नहीं मेहनत की वजह से कोर्ट कचहरी के मुकदमों की वजह से इनमें थोड़ा सा ये जो टाइम है नौकरी में फ़ायदा हो सकता है तो यहां पर मंगलदेव की वजह से आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिल सकता है अब हम बात करते हैं 14 अप्रैल से लेकर 14 मई के बीच की तो 14 अप्रैल से 14 मई के बीच में सूर्य देव आपके फोर्थ हाउस में आ जाएंगे और उच्च के हो जाएंगे तो इस वक्त आपको तो आपका जो आपका जो भी घर के अंदर इन्वायरमेंट चल रहा था उसके अंदर थोड़ा सा परिवर्तन लेके आएंगे थोड़ा सा अच्छा फील करवाएंगे लेकिन यहां पर जो अच्छा रिजल्ट जो देंगे इस महीने वह छह अप्रैल से देना शुरू करेंगे शुक्रदेव शुक्रदेव जो है वह 6 अप्रैल को आपके फिफ्थ हाउस में चले जाएंगे और स्वगरी हो जाएंगे तो इस वजह से अगर आप स्टूडेंट हैं पढ़ाई कर रहे हैं तो आपकी पढ़ाई की रफ्तार अच्छी रहेगी थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट में भी आपका वक्त बर्बाद होगा अगर आप किसी रिलेशनशिप के अंदर थे अगर कोई रोमांस के अंदर अगर आप हैं या कोई नया रिलेशन इस वक्त बनने के भी योग बनते हैं 6 अप्रैल से 11 एक मई के बीच में या अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो उसमें स्ट्रॉन्ग रिलेशन बनने के योग बनते हैं बच्चों से जुड़ी अगर कोई समस्या थी तो उसके भी अच्छे परिणाम मिलने की उम्मीद है उसमें भी कोई ना कोई रिजल्ट आपको मिल सकता है अगर नई हॉबी इस समय डेवलप हो सकती है कोई नया कोर्स इस वक्त आप ज्वाइन कर सकते हैं तो यह टाइम जो है शुक्रदेव की वजह से काफी अच्छा है और नौकरी में भी मंगलदेव की वजह से यह टाइम अच्छा रहेगा नौकरी में शुभ बदलाव देखने को मिल सकते हैं कंपिटेटिव इन्वामेंट में भी अच्छे रिजल्ट आ सकते हैं और दूसरा लोन के मामले कोर्ट कचहरी के मुकदमे इनमें इन भी आपको शत्रु पर आप भारी पड़ सकते हैं तो यह महीना आपके लिए काफी अच्छा रह सकता है एक बस एक फैमिली एनवायरनमेंट जो है वहाँ पर थोड़ी सी मतलब कि घर के अंदर आने के बाद में कुछ ऐसी समस्याएं नई सुनने को मिल सकती है लेकिन वह बहुत ज्यादा चैलेंजिंग नहीं हो सकती अब हम बात करते हैं 15 मई से लेकर 14 जून के बीच में तो इस समय जो है सूर्य देव जो है आपके पंचम हाउस में आ जाएंगे तो पहले अब इस मामले में आने की वजह से कुछ ना कुछ आपको प्रॉब्लम क्रिएट करवा सकते हैं और वहाँ प्रॉब्लम क्या है कि पहले जो संतान के साथ में अच्छे रिलेशन बन रहे थे और वो सब इस समय थोड़े से चैलेंजिंग हो सकते हैं इस समय अगर संतान से जुड़ी कोई समस्या आ सकती है कोई नया लर्निंग कोर्सेज़ अगर आपने ज्वाइन किया है बच्चे अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो उसमें कम्पिटेटिव इन्वायरमेंट ज़्यादा लग सकता है खुद के अंदर आ, कुछ बदलाव लाते हैं तो उनके नेगेटिव नेगेटिव रिजल्ट देखने को ज़्यादा मिल सकते हैं तो यह समय जो है आ, आपके लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग रह सकता है इस समय अपनी रफ्तार धीरे रख दें और दूसरी सबसे बड़ी बात है इस महीने दस मई मही को भी एक बहुत बड़ा परिवर्तन होगा कि मंगल देव जो है वो दस मई से लेकर तीस जून तक आपके सेवन्थ हाउस में जाकर नीच के हो जाएंगे तो इसकी वजह से क्या है कि कोई भी नई डील करने से बचें अगर मंगल का कार्यक्रम है मंगल का कोई बिजनेस है आपका जैसे आप प्रॉपर्टी का कोई बिजनेस करते हैं रेड कलर का कोई चीज करते हैं हीट का कोई गर्मी से जुड़ी चीज़ों का व्यापार करते हैं तो इस समय आपकी रफ्तार धीरे होनी चाहिए अगर आप कोई पार्टनरशिप का बिजनेस है आपका तो इस समय अपने पार्टनर को पूरा टाइम दें और एक और चीज है जो मैं बताना चाहूंगा आपके वाइफ के साथ में या हस्बैंड के साथ में लाइफ पार्टनर के साथ में कुछ इश्यूज डेवलप हो सकते हैं तो यह टाइम थोड़ा सा आपका 10 मई से लेकर 30 जून का इन मुद्दों पर इन इश्यूज पे थोड़ा सा ध्यान देने का है यहां पर किसी तरह का कोई भी आपको रिस्की डिसीजन दस मई से लेकर तीस जून के बीच में नहीं लेना चाहिए लाभ का कोई अगर आपने किया भी था कोई सौदा हुआ भी था तो उसमें इस वक्त हो सकता है कि कोई गिरावट देखने को मिल जाए अब हम बात करते हैं 15 जून से लेकर 16 जुलाई के बीच में तो 15 जून से लेकर 16 जुलाई का जो टाइम रहेगा ये काफी अच्छा रहेगा नौकरी में अच्छे परिवर्तन देखने को मिलेंगे स्टूडेंट के लिए भी अच्छा रहेगा अगर आपको कोई बीमारी थी तो उससे आपको मुक्ति मिल सकती है बीमारी के लिए आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल सकता है तो यह टाइम इस हिसाब से सही है दूसरा यहाँ पर चौबीस जून को क्या होगा कि बुद्ध देव भी जो है आपके सिक्स हाउस में आकर स्वग्रही हो जाएंगे तो आपको जो अगर किसी तरह की कोई हेल्थ इश्यू था तो उससे छुटकारा मिल सकता है नौकरी में आपको फायदा मिल सकता है बुद्ध से किसी व्यापार में है एजेंट का काम करते हैं एलआईसी के अंदर है बैंकिंग सेक्टर के अंदर है तो इसमें आपको विशेष फायदा हो सकता है और इस समय बस एक ही प्रॉब्लम जो हो सकती है वह आपके लिए यही रहेगी और वह प्रॉब्लम यह है कि आपकी पार्टनरशिप इश्यूज वाइफ के साथ में थोड़े बहुत इश्यूज और जो आप जितना ग्रोथ व्यापार में चाहते थे उस ग्रोथ में थोड़ी सी प्रॉब्लम देखने को आपको मिल सकती है अब हम बात करते हैं सत्रह जुलाई से लेकर सोलह अगस्त के बीच में तो सत्रह जुलाई से सोलह अगस्त के बीच में सूर्य देव आपके सेवंथ हाउस में आ जाएंगे तो कंपटीशन आपको व्यापार में कंपटीशन आपको ज्यादा फील होगा इस समय व्यापार के अंदर आपको थोड़ा सा चैलेंजेस आपके लिए आएंगे बुद्ध देव आठ जुलाई को यहाँ पर आ जाएंगे वह भी थोड़ा सा व्यापार में दिक्कत लेके आएंगे अगर सूर्य और बुद्ध से जुड़ा हुआ व्यापार है तो प्रॉब्लम आपकी इस वक्त थोड़ी बहुत बढ़ सकती है तो यह टाइम जो है आपके लिए मैं थोड़ा सा फ्रूटफुल नहीं मानता हूँ इस समय आपको अपनी हेल्थ का और अपने व्यापार का अपनी वाइफ के साथ संबंधों को लेकर आपको थोड़ा सा सजग रहने रहने की आवश्यकता है अब हम बात करते हैं सत्रह अगस्त से लेकर सोलह सेप्टेम्बर तक इस समय क्या होगा कि सूर्य देव अष्टम में आ जाएंगे और स्वगृही हो जाएंगे तो इस वजह से कोई ऐसा अनएक्सपेक्टेड चीज हो सकती है जिसके बारे में आप रेडी नहीं हो और वह घटना आपका ध्यान आकर्षित कर सकती है इसी के साथ में सूर्य का यहाँ पर आने के कुछ टाइम बाद ही यहाँ पर बुद्ध देव भी रहेंगे 25 जुलाई को यहाँ पर 17 अगस्त को तो सूर्य देव आ रहे हैं लेकिन बुद्ध देव पंद्रह पच्चीस जुलाई से लेकर 30 सितंबर तक यहाँ बने हुए रहेंगे तो इस वजह से आपको कुछ न कुछ अच्छे परिणाम भी देंगे कुछ अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स ऐसी घटित करवा सकते हैं जिससे कि आपको फायदा हो कोई घटना ऐसी घटित हो चाहे वो नौकरी में हो या फिर फायदे से हो या लोन का कोई मुद्दा हो तो उसके अंदर आपको कुछ बेनिफिट ये करवा सकते हैं भाग्य के साथ से कुछ न कुछ काम आपका हो सकता है बुद्ध देव की मेहरबानी रहेगी पच्चीस जुलाई से लेकर तीस सेप्टेंबर तक तो ये आपके लिए बुद्ध की वजह से काफी अच्छा टाइम है यहां पर और इस समय शुक्र की वजह से आपको थोड़ी सी परेशानी रहेगी और वह कहाँ रहेगी प्रॉपर्टी के अंदर रहेगी वो कहाँ रहेगी पार्टनरशिप मैटर्स के अंदर रहेगी अगर आ, फैमिली बिजनेस है तो उसके अंदर रहेगी और अपने वाइफ के साथ में अगर आपके कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं तो वो उनको इस समय आप मतलब कि ज़्यादा हवा नहीं दें वो आपके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं और साथ में भाग्य का साथ जो है आपको इस समय मंगल की वजह से नहीं मिल पाएगा अगर कोई काम आपका रुका हुआ है तो वो अगर वो मंगल से जुड़ा हुआ काम है तो आपका उस समय आपको दिक्कत आ सकती है उस समय आपको पॉजिटिव रिजल्ट देखने को थोड़े कम मिलेंगे अब हम बात करते हैं 17 सितंबर से लेकर 17 अक्टूबर के बीच में तो 17 सितंबर से 17 अक्टूबर के बीच में सूर्य देव जो है आपके नाइन्थ हाउस में चले जाएंगे और यहां पर जो है एक अक्टूबर से एक अक्टूबर को बुद्ध देव भी आ जाएंगे तो रिजल्ट जो है अच्छे रिजल्ट जो है वो एक अक्टूबर को देखने को मिलेंगे एक अक्टूबर से लेकर अठारह अक्टूबर को आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट बुद्ध से देखने को मिलेंगे जो भाग्य का साथ पहले नहीं मिल रहा था इस समय आपको पूरा भाग्य का साथ मिल सकता है और भाग्य से जुड़े हुए अगर कोई आपका काम अटक रहा था तो वह हो सकता है अगर बुद्ध से जुड़ा हुआ किसी व्यापार था तो वो चल सकता है कोई धार्मिक यात्रा पर जाते हैं तो उसके अच्छे परिणाम मिल सकते हैं फॉरन से कोई ऐसी खबर आ सकती है जो आपके मन को प्रसंसित कर रहे पिता से जुड़ी कोई ऐसी खबर आ सकती है जो आपको प्रसंशित कर दे और साथ में अगर आपको हायर एजुकेशन चाहते हैं जो बुद्ध से जुड़ी हुई है फाइनेंस के सेक्टर के अंदर काम करते हैं या एमबीए करना चाहते हैं या कोई बहुत बड़ा एजुकेशनल कोर्स कर रहे हैं इंडिया से बाहर जाना चाहते हैं तो इस समय अगर कोई आ, इस समय कोई परिणाम आता है तो उसके रिजल्ट जो है आपको अच्छे देखने को मिल सकते हैं यह टाइम जो है आपके लिए काफी अच्छा रह सकता है लेकिन शुक्र से जुड़े हुए लोगों के लिए यह टाइम इतना फ्रूटफुल नहीं रहेगा अगर शुक्र से जुड़ा हुआ बिजनेस है तो इसमें अगर और मंगल से जुड़ा हुआ अगर कोई बिजनेस है तो भी उसमें भी अच्छे परिणाम देखने को नहीं मिल सकते केवल बुद्ध से जुड़े हुए के मामले में मैंने आपको बताया वहाँ आपको अच्छा देखने को मिल सकता है अब बात करते हैं 18 अक्टूबर से लेकर 16 नवंबर के बीच में तो 18 अक्टूबर से 16 नवंबर के बीच में सूर्य देव आपके टेंथ हाउस में आ जाएंगे और नीच के हो जाएंगे तो थोड़ी बहुत दिक्कतें सामाजिक मंच पर डेवलप कर सकते हैं कुछ ना कुछ ऑब्स्टेकल्स आ सकते हैं चलते काम में बाधा या रुकावट आपको देखने को मिल सकती है लेकिन अगर आपका बुद्ध का ही व्यापार है बुद्ध से जुड़ा हुआ ही अगर कुछ है तो उसमें आपको अच्छे रिजल्ट देखने को जरूर मिलेंगे इतना आपको नुकसान नहीं होगा बुद्ध का अगर जिन्ना है एजेंट का काम करते हैं लर्निंग का कोई काम करते हैं फाइनेंस के सेक्टर के अंदर हैं तो आपको पाँच नवंबर तक जो है अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे लेकिन अगर आपका शुक्र से जुड़ा हुआ बिजनेस है तो शुक्र देव जो है वह तीन नवंबर से लेकर उन्तीस नवंबर तक जो है नीच के रहेंगे आपके नवम हाउस में इस वजह से इस वक्त जो है शुक्र का अगर आपका कोई बिजनेस है ब्यूटी का कोई कोर्स कर रहे हैं ब्यूटी पार्लर चला रहे हैं कॉस्मेटिक का है फीमेल वर्कर्स के साथ में कुछ काम करते हैं तो इस समय आपको नेगेटिव रिजल्ट देखने को मिलेंगे इस समय आपको इसमें इतना फायदा नहीं होगा और भाग्य का साथ भी इस समय शुक्रदेव की वजह से आपको कम देखने को मिलेगा और सामाजिक मान सम्मान को भी ठेस पहुंच सकती है इस महीने इस बात का आपका ईगो भी इस महीने हर्ट हो सकता है अब हम बात करते हैं सत्रह नवंबर से लेकर पंद्रह दिसंबर के बीच में तो इस समय सूर्यदेव आपके इलेवंथ हाउस में आ जाएंगे आपको व्यापार से फ़ायदा होने के पूरे योग रहेंगे अगर सूर्य से जुड़ा हुआ व्यापार है मेडिसिन का बिजनेस है किसी सरकारी कर्मचारी है सरकार से जुड़ा हुआ कोई कॉन्ट्रैक्ट का काम करते हैं तो इस समय आपको विशेष फायदा देखने को मिलेगा सत्रह नवंबर से लेकर पंद्रह दिसंबर के बीच में और अगर आप कोई भी व्यापार करते हैं तो भी इस समय ही आपको विशेष फायदा व्यापार में हो सकता है पैसे का फ्लो इस समय आपके बढ़ सकता है दूसरा अगर कोई मनोकामना है इच्छा है जो लंबे टाइम से आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी पूरी नहीं हो रही थी तो इस वक्त जो है आपकी मनोकामनाएं और इच्छाएं जो है पूरी हो सकती है इस बात के पूरे योग बनते हैं और इसी समय जो है शुक्रदेव भी आपके आ, जो है वो आपके टेंथ हाउस में आ जाएंगे और स्वघरी हो जाएंगे तो इस वक्त आपको एक चीज़ और होगी कि सामाजिक मान सम्मान प्रतिष्ठा जो है उसमें भी आपको थोड़ा सा आपको बदलाव देखने को मिलेगा थोड़े से पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेगा और इस समय सोलह नवंबर को मंगलदेव भी जो है आपके इलेवंथ हाउस में आ जाएंगे और सत्ताईस दिसंबर तक यहाँ बने हुए रहेंगे तो लाभ के नए अवसर मिलेंगे आपका अगर कोई बिजनेस नहीं चल रहा था तो इस समय बिजनेस में अच्छे बदलाव देखने को मिलेंगे पैसे का बहुत अच्छा फ्लो इस महीने लगभग ये साल के एंड में सत्रह नवंबर के बाद में आपको देखने को मिलेगा और फिर सोलह को जो है सूर्य तो पे विशेष कुछ ना कुछ खर्चे भी आपको परेशान कर सकते हैं हॉस्पिटल के आपके चक्कर लग सकते हैं तो साल का एंड के जो पंद्रह दिन है वो आपको थोड़ा सा केयरफुल रहने की जरूरत रहेगी तो यहां पर हमने आपको हर महीने के हिसाब से पूरा डिवाइड करके बता दिया है कि कब कब कौन सा ग्रह कौन से महीने में आपको कैसा रिजल्ट दे सकता है लेकिन इस साल में बड़ी घटनाएं कौन सी घटित हो सकती है कौन इस साल का प्रॉमिश क्या है तो वो इस साल का प्रॉमिस भी आपको बताना जरूरी है तो वहां तक देखा है तो इसको भी जरूर देखें कि इस साल में बड़ी बड़ी घटनाएं कौन सी घटित हो सकती है तो इस साल तीन डेट्स जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सबको पता है पहला सत्रह जनवरी दूसरा बाईस अप्रैल तीसरा तीस अक्टूबर क्योंकि सत्रह जनवरी को जो है वह शनिदेव का राशि परिवर्तन है और शनिदेव जो है वो आपके सेकेंड हाउस में मूव कर जाएंगे शनि की साढ़े साती से आप गुजर रहे हैं अब आपके शनि की साढ़े सती का तीसरा चरण शुरू हो जाएगा सत्रह जनवरी के बाद में तो कुछ परेशानियां तो शनि की वजह से जो परेशानी आ रही थी कुछ फैमिली डेवलप जरूर होंगे पैसे बचाने में कुछ ना कुछ दिक्कतें जरूर आएगी तो इस वक्त आपको यह उत्तरता शनि जो है यह बाद में फायदा करेगा अभी थोड़ी सी दिक्कत दे सकता है तो इस वक्त तक आपको एक उपाय करना चाहिए दशरथ करत शनि स्त्रोत का आपको रोज जाप करना चाहिए नहीं तो शनिवार के दिन तो आपको जाप करना ही चाहिए यह आप ध्यान रखें इस साल आपको पारिवारिक इश्यूज और पैसे बचाने के मुद्दे आपको साल भर आपका ध्यान आकर्षित करेंगे परिवार की कोई ना कोई चीजें आपका ध्यान आकर्षित करेगी और तो और अगर आपको नस की कोई बीमारी है पाँव की कोई बीमारी है तो वह इस समय आपके ऊपर थोड़ा सा आपका ध्यान आकर्षित कर सकती है उसके बाद में 22 अप्रैल के बाद में क्या होगा के जो गुरु जो हैं वो आपके फोर्थ हाउस में आ जाएंगे तो यह बदलाव भी आपके लिए कोई बहुत अच्छा हो ऐसा नहीं कहा जा अच्छा, सकता ठीक ठाक बदलाव है और उसके बाद में 30 अक्टूबर को जो राहु और केतु का परिवर्तन हो रहा है वह आपके लिए काफ़ी अच्छा परिवर्तन रहेगा लेकिन वो साल के एंड में है लगता अक्टूबर में तो वो उसके बाद में आपको आ, कुछ चेंजेस आप लाएंगे अक्टूबर के बाद में जो आपको फ्रूटफुल लगेंगे वह भाग्य का साथ भी आपको मिलेगा तो बाईस अप्रैल के बाद में आपके जीवन में कौन सी बड़ी घटनाएं घटित हो सकती है तो एक तो मकान वाहन के इस साल योग बने हुए हैं अगर आप मकान वाहन लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं या फिर मकान और वाहन के जो आपका फोकस बना हुआ रहेगा इस चीज़ पे कि यार कैसे भी करके ये हो जाए तो इस अगर आपकी कुंडली में योग स्ट्रांग है तो इस साल हो सकता है मकान और वाहन के जो मुद्दे हैं वो आपका ध्यान आकर्षित कर सकते हैं दूसरा एक चीज़ और है वह यह है कि इस साल बाईस अप्रैल के बाद में कुछ न कोई घटना ऐसी घटित हो सकती है जो अनएक्सपेक्टेड हो यह चीज़ का भी पूरा का पूरा योग बना हुआ है और यह आकस्मिक घटना घटित हो सकती है और थोड़ा सा परेशानी वाली हो सकती है मैं इसको शुभ नहीं कह सकता थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक करने वाले से होती है और यह आकस्मिक हो सकती है तो इस समय और यह घटना भी आपका ध्यान आकर्षित कर सकती है और अगर यह नहीं होता है तो जो जमीन जायदाद के जो मुद्दे हैं जो कि आपकी पुश्ते जमीन है उस पर कुछ ना कुछ आप अपना विशेष ध्यान दे सकते हैं वहां से जुड़े चीजों पर आपका ध्यान जा सकता है और बाईस अप्रैल से पहले क्या हो सकता है यह जो दो घटनाएं है बताई हैं बाईस अप्रैल के बाद की थी मकान वाहन के योग पुस्तनी जमीन जायदाद और अनावश्यक रूप से घटित होने वाली कोई घटना तो यह तो बाईस अप्रैल के बाद की थी और साल भर जो योग था वह प्रॉपर्टी के इश्यूज फैमिली के इश्यूज और लाभ के अवसर कम मिलना और उससे पहले जो बाईस अप्रैल के पहले एक और चीज है कि बाईस अप्रैल से पहले अगर आपको हो सकता है कोई मान सम्मान या पदवी अगर आपका कोई डिग्री पूरी होने वाली थी तो मान सम्मान या पदवी आपको मिल सकती है और कुछ ना कुछ प्रमोशन का अगर आपका योग बन रहा है और आपकी कुंडली के अंदर वो योग स्ट्रॉन्ग है तो आपका मान सम्मान या प्रमोशन भी हो सकता है ये बाईस अप्रैल का टाइम इस तरह से बता रहा है लेकिन इसमें कुंडली के अंदर ग्र, ग्रहों की दशा महादशा सही चलनी चाहिए तो इस चीज के होने के भी पूरे के पूरे योग बनते हैं तो और अब मैं आपको इस साल की वह सारी डेट्स देने जा रहा हूं जो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है तो यहां पर आपको एक चार्ट दिख रहा होगा जनवरी के अंदर कौन सी है फरवरी के अंदर कौन सी है मार्च के अंदर कौन सी है तो वह सब आप देखिए इसका स्क्रीन शॉट लेके रखिए इस दिन कोई भी नया काम आपको शुरू नहीं करना चाहिए अगर आप इस दिन कोई नया काम शुरू करते हैं तो आपको जो रिजल्ट आपको चाहिए वैसा रिजल्ट मिलने की संभावना कम रहेगी यहां पर हमने पूरा का पूरा राशिफल दिया है हमने जनवरी फरवरी महीने के हिसाब से भी दिया है और बड़े परिवर्तन भी बताए हैं उपाय आपको विशेष शनि का हमने दिया है गुरु का एक उपाय और करें आप कि आप जो है गुरुवार के दिन विष्णु सहस्त्र स्तम का पाठ करें एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखें कि जब शनि की जो आपने दो देख ही लिया पहला चरण दूसरा चरण अब आप तीसरे चरण से गुजरेंगे तो शनि जाता हुआ शनि जो है धीरे धीरे आपको फ़ायदा भी देके जाएगा तो अब आपको ज़्यादा नेगेटिव रहने की जरूरत नहीं है धीरे धीरे आपको पॉजिटिव रिजल्ट में मिलने शुरू हो जाएंगे उम्मीद करता हूँ आपको यह कार्यक्रम अच्छा लगा होगा हमारा आपसे एक ही निवेदन है कि हम आगे भी शनि के बारे में बहुत अच्छे वीडियो लेके आएंगे तो आप हमारे चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें जिससे हमारा मनोबल बढ़े और हम आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो बनाने का प्रयास अनवरत रूप से जारी रखें जय श्री कृष्ण